जितने भी अभी लाल लाल है ना, पीला पीला, वो सब हरा होना चाहिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी सत्ती मंगलम और इधर है कंपनी, आप देख सकते हो। हमारे इधर के जितने भी एमपी के लड़के हैं सब इस कंपनी में काम करते हैं और यहाँ पर 3-4 कंपनियाँ हैं, सब इन कंपनियों में काम करते हैं और यहाँ पर धागा बनाया जाता है। वो सारी चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ का सीन है ना, चारों साइड पेड़ पौधे और इधर ऑफिस, ये ऑफिस है और ये पूरा कंपनी है, ठीक है, इधर देख सकते हो। और अपना दल्लू भाई आ रहा है सामने से। हाँ तो दोस्तों, अभी ये मशीन बंद है क्योंकि अभी लड़के नहीं आए हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं तो 8 बजे तक लड़के आते हैं काम करने के लिए, है ना, तो अभी ये बंद है। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये मशीन बंद है इसलिए यहाँ पर मैं वीडियो ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि बहुत हल्ला होती है तो आवाज़ सुना नहीं देगी आप लोगों को। दोस्तों, इस मशीन का नाम है बुलरूम और यहाँ पर जो बाहर से पॉलिस्टर आता है ना, ये कपास जैसा दिख रहा है, ये एक्चुअली पॉलिस्टर है, यहाँ पर डलता है, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से, और यहाँ डलने के बाद इधर कुछ इस तरह से निकलता है, इधर गोल गोल होकर, ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से निकलता है और यहाँ से निकल के फिर सीधे धागा बन, कुछ इस तरह से बन जाता है, फिर ये देखो ऐसा, यहाँ पर पैक होने के बाद फिर इधर आ जाता है, ये देखो, है ना, इस मशीन में आने के बाद फिर कुछ इस तरह से बनता है, ये देखो, है ना, ये पर सीधे निकल जाता है स्पिनिंग मशीन में। तो दोस्तों, इस मशीन का नाम है ऑटो कोना, लेकिन यहाँ पर आवाज़ सुनाई नहीं देगा तो आप लोगों को दिखा सकता हूँ, बाद में आवाज़ डाल दूंगा, ठीक है। ये है ऑटो कोना मशीन, देख सकते हो, है ना, और इधर है हीरा, तो हीरा किस तरह से यहाँ पर काम करती है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जितने भी अभी लाल लाल है ना, पीला पीला, वो सब हरा होना चाहिए, मतलब चालू हो गया, लाल नहीं होना चाहिए, जब लाल होता है ना इसके मतलब ये सब ख़त्म हो जाता है, ये तो दोस्तों ये है गार्डिंग मशीन, अभी इधर है भैया जी, ठीक है, यहाँ पर कार्य करते हैं, ये देखिए, ठीक है। कितने मशीन चलाते हो भैया? 3 छह मशीन ना, जब पूरा मशीन वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये भैया चलाते हैं, तो जिस तरह से यहाँ से निकल के फिर ये रेडी होता है यहाँ। तो राकेश भाई ये मशीन को चलाते हैं, अभी बंद है ना, तो ये चालू कर दिया यहाँ पर, है ना, चालू हो गया, कुछ इस तरह से चलाता है ना, ये देखिए। अभी इधर अपना भाई साहब, और भाई कौन सा मशीन चला रहे, ये वाला कौन सा मशीन है? ड्रिंक। तो दोस्तों ये है ड्रिंक मशीन और ये भाई साहब यहाँ पर चलाते हैं, ठीक है, ड्रिंक मशीन। हाँ, ये कुछ इस तरह से बनता है इस मशीन से, है ना, ये देखो, और ऐसा निकलता है यहाँ से, ये देखो। तो फाइनली अभी मैं आ गया हूँ रूम पर और अभी हम जा रहे हैं दल्लू भाई के साथ मार्केट साइड, मतलब दुकान साइड, मतलब केला लेने के लिए, तो चलते हैं, है ना। तो ये है अपना रूम और भाई साहब लॉक कर रहे हैं, अब निकलते हैं दुकान की ओर, पास में ही है दुकान, पास में ही है, ये गेट है ना, गेट के जस्ट साइड में है, उधर जो गेट है, गेट के जस्ट साइड में है, उस साइड में है ना, तो चलते हैं अभी। और मस्त धूप लग रही है, धूप क्या यार, बहुत गर्मी रहता है इधर, मतलब बारिश की तो कोई पता ही नहीं, कल पता है भाई अनूपपुर में बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी बता रही थी, मम्मी अनूपपुर में है ना, तो कल रात में मैंने बात किया था तो बोल रही थी बहुत बारिश हुआ है, मतलब यार बहुत ज़्यादा यार, सच में, मतलब इस टाइम बारिश हुआ है सोचने वाली बात है, अनूपपुर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, इधर तो कोई बारिश का कोई बादल रहता है लेकिन 5-10 मिनट में खुल जाता है, और इधर ये पता नहीं चलता है कि कब बरसात लगा है, कब क्या है, मतलब ऐसा बारिश देखने को नहीं मिलता है। हाँ, बारिश होगी कभी कभी तो सूख जाता है एकदम तुरंत, है ना, तो इधर पता नहीं चलता कब बरसात है कब ठंडी है। तो दोस्तों ये है कोयम्बतूर रोड और यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होता है, मतलब हर साल 1-2 एक्सीडेंट होता ही होता है इस जगह पर, यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ तो यहाँ रीजन है, कुछ कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट होता है यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी हमारे कंपनी के लड़के आते हैं ना तो वहाँ से निकल के आते हैं ऐसा, है ना, उधर से क्रॉस नहीं करते हैं ऐसा,
और पहले तो रास्ता उधर से था, लेकिन अभी ये गेट बना है ना, पहले उधर से रास्ता था। तो पहले जब आए थे 2015 में, तब उधर से आते जाते थे, ठीक है। और इधर स्कूली बच्चे हैं, ये देख सकते हो, है ना। तो चलते हैं, थोड़ा देख कर क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। डर तो लगता ही है हमेशा। देखो तुरंत पहुंच जाते हैं कार वगैरह, देख रहे हो, इधर स्कूली बच्चे हैं। तो ये है दुकान, 20 रुपये का मात्र 6 केला। पहले यहाँ पर दादी जी रहती थी एक, लेकिन अभी वो एक्सपायर हो गया ना, तो ये आंटी जी यहाँ पर रहते हैं और वो अंकल। यहाँ पर सब्जी मिल जाएगा इमरजेंसी के लिए, बाकी तो लड़के सब मार्केट से ले आते हैं। और यहाँ पर बस छोटा सा एक ठेला है, बाकी सारे सामान यहाँ पर मिल जाता है जो चाहिए। तो समोसा चाहिए, समोसा मिल जाएगा, आलू और ये सब, मटर, प्याज, सब इमरजेंसी वाला सामान, सारी चीज़ है यहाँ पर। चाय चाहिए तो चाय मिल जाएगा यहाँ पर। सच बताऊं भाई, इधर का बस देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, सच में। देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये बस, ठीक है। तो चलो चलते हैं, केला ले लिए हैं अभी, बहुत नॉर्मल केला लिए भाई। ये इधर का केला ना बहुत ही मीठा होता है, पता नहीं क्यों हमारे इधर का केला इतना मीठा नहीं होता है, रीजन क्या है क्या मालूम, बता सकते हो भाई? मुझे भी नहीं पता, ये पता नहीं, इधर देसी वाला है। देसी वाला है, मतलब बिना केमिकल का वाला। हाँ, और इधर का ना देखो, मतलब एक एक सप्ताह तक मतलब केला ऐसा ही रहता है, लेकिन पकता नहीं है। मतलब मैं केला का वो, हाँ, क्योंकि मैं फल फ्रूट, क्योंकि मैं फल फ्रूट का वो रखता था ना ठेला, तो मुझे पता है। जब मैं रखा करता था ना, तो सुबह केला लेके जाता था इस टाइप का, इस कलर का लेके जाता था ना, तो वाला खराब हो जाएगा। हाँ, इधर वाला नहीं, तो लेके जाता था, मतलब अनूपपुर से लेता था, मंडी से, मतलब जहाँ पर वो मिलता है ना, गोदाम है केला का, वहाँ से लेता था। और राजीव ग्राम और लेडरा मतलब बेचा करता था, तो शाम तक मैं पूरा पक जाता था, ख़राब हो जाता था, है ना, तो हरा लेके जाता था। लेकिन इधर ऐसा है कि अभी ये ऐसा ही रहेगा ना, तो भी ये 3-4 दिन तक चलेगा, एक एक सप्ताह तक केला ऐसे ही रहता है। केमिकल रहता है इसमें, ये येलो कलर है, ये वैसे ही पकता है जैसे पकना रहता है, हर चीज़ का येलो कलर रहता है ना, पकता है तो वैसे ही। बहुत ही मीठा है सच में। चलिए चलते हैं।